दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको महुआ वृक्ष के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। ये है महुआ का पेड़। महुआ उत्तर भारत के मैदानों तथा जंगलों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी यह वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये बहुत जल्दी बढ़ने वाला वृक्ष है। इसकी ऊँचाई लगभग 25 मीटर तक होता है। इसे महुआ नाम से जानते हैं, लेकिन इसके और भी कई नाम हो सकते हैं। जैसे हमारे जसपुर में इसे मदगी भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम मधुका लौंगी फोलिया है। महुआ में अनेक औषधीय गुण पाए जाते हैं। महुआ पेड़ का छाल डायबिटीज़ को नॉर्मल करने में सहायता करता है। घाव सुखाने में भी इसका उपयोग होता है। पायरिया को ठीक करने के लिए इसका दातून करते हैं। रक्त की कमी को दूर करने के लिए इसके फूल का उपयोग किया जाता है। पेट की विकारों को दूर करता है। खून में खराबी, श्वास रोग, टीबी कमजोरी, खांसी, अनियमित मासिक धर्म, स्तनों में दूध की कमी तथा लो ब्लड प्रेशर को दूर करती है। महुआ के फल से तेल निकाला जाता है, जो नारियल तेल के समान होता है। गांव के लोग इस तेल का उपयोग खाने में भी करते हैं तथा इस तेल से गांव में बनने वाला मिठाई, रोटी, सब्जी आदि बनाते हैं। इसके तेल को शरीर में लगाया जाता है, जिससे त्वचा का एलर्जी ठीक होता है। ठंड के दिनों में हाथ पैर फटने पर इसका तेल लगाया जाता है। इस तेल के और भी औषधीय उपयोग हैं। इसके लकड़ी से दरवाज़ा, खिड़की, कृषि के औजार आदि बनाए जाते हैं। सूखी लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसके लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने में भी किया जाता है। इसका लकड़ी कठोर एवं मजबूत होता है। इसके पत्तों का उपयोग दोना पत्तल बनाने में भी किया जाता है। इसके फूल रसदार एवं गूदेदार होते हैं। इसकी खुशबू जब ये फूलता है तो चारों तरफ फैल जाता है। इसके फूल को सुखा देते हैं और सूखने के बाद उसको उबालते हैं, और जब वो पक जाता है तो इसको खाते हैं। ये बहुत ही पौष्टिक पदार्थ बन जाता है। यह बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा होता है। इसे शुगर मरीज को नहीं खाना चाहिए। इसके सेवन से शरीर में खून बढ़ता है, कमजोरी दूर होती है। इसलिए इसके फल को चबाकर भी खाया जा सकता है और भून करके फिर चबाकर इसको खाया जाता है, जिससे एनीमिया जैसे भयंकर बीमारी दूर होती है। इसके फूल से कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे रोटी, हलवा, गुलगुला आदि। अब आइए जानते हैं महुआ और आदिवासियों का संबंध। महुआ और आदिवासियों का संबंध बहुत पुराना है। जब आदिवासी जंगलों में निवास करते थे तो ये इस महुआ के फल से ही, इसके फूल से ही अपने पेटों को भरते थे, इसके तेल का ही उपयोग करते थे। लेकिन समय बदलने पर इस महुए का उपयोग आदिवासी शराब बनाने के लिए भी करने लगे। अब उनका शराब बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वह ठंड भगाने के लिए था, क्योंकि उन दिनों वो जंगलों में रहते थे और उन्हें ओढ़ने के लिए उनके पास कपड़े नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा ठंड होती थी। तो इस महुए का शराब बना करके वो ठंड को दूर करने के लिए पिया करते थे, ना कि नशे में झूमने के लिए, आज जैसे कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। महुए के शराब का उपयोग आदिवासी
पहले दवाई में किया करते थे, इसीलिए इसका नाम दवाई दारू पड़ा। मेरे चैनल को सबसे पहले देखने के लिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। आइए अब एक कहानी हम सुनते हैं जो इस महुए और शराब से जुड़ा हुआ है। ये दंत कथा आदिवासियों में प्रचलित है। वो कहते हैं कि जब बहुत अधिक ठंड पड़ता था तो इसके उपचार के लिए बहुत ध्यान करते थे और उन्होंने स्वप्न में देखा एक व्यक्ति ने, और वह जंगल की ओर निकला। सबसे पहले उसे महुआ मिला, उन्होंने महुआ उठाया। उसके बाद उन्हें मिला चिड़िया, तो उन्होंने चिड़िया को मार के उसका खून को लिया। उसके बाद उन्हें मिला शेर, तो उन्होंने शेर को भी मार के उसका खून लिया। उसके बाद उन्होंने एक सुअर को मारा और फिर उसका खून लिया। और आज हम देखते हैं कि जब इसको पहली बार पीते हैं तो चिड़ियों के समान चहचहाने लगते हैं, मीठे मीठे बात करते हैं, गीत गाते हैं। लेकिन थोड़ा सा अधिक हो जाता है तो ये शेर बन जाते हैं और शेर के समान गरजना शुरू करते हैं, और उसके बाद थोड़ा और ले लेते हैं, उसके बाद वो सुअर के समान नाली में गिर जाते हैं। दोस्तों, शराब परिवार, देश और समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। आइए सब हम मिल करके इसे दूर करने का प्रयास करें। इसमें लगे यह बांदा, जिसे हम लोग बांदा कहते हैं, एक प्रकार का परजीवी है, इसे सुखा करके इसका पाउडर बना के जो घाव है उसमें लगाने पर घाव बहुत जल्दी सूख जाता है। प्लीज 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 शराब मत पीना, शराब शरीर के लिए हानिकारक है।